सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायक गण श्री विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मान्य विधायक श्री राम चौहान जी, प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव वित्त श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री अजय चौहान जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख गण, पूर्व प्रमुख श्री गजेंद्र प्रताप सिंह जी, आनंद शाही जी, रणविजय सिंह मुन्ना जी, ब्लॉक प्रमुख जनार्दन जायसवाल जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, चेयरमैन पिपराइच नगर पंचायत श्री संजय मदेसिया जी, और आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित इस पूरे क्षेत्र से उपस्थित सभी यहां के नागरिक, उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आज हरियाली तीज के अवसर पर 635 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की सौगात पिपराइच विधानसभा क्षेत्रवासियों को प्राप्त हो रही है, इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम लोगों ने इससे पहले कैंपियरगंज में एक जटायु संरक्षण केंद्र का भी लोकार्पण किया है। आप सब जानते हैं कि जटायु एक गिद्धराज प्रजाति का एक महत्वपूर्ण पक्षी है, और गिद्धराज जटायु ने रामायण काल में सबसे पहले बलिदान दिया था, और वो बलिदान दिया था अपने मित्र महाराज दशरथ को मित्रता का, और नारी गरिमा की रक्षा करते हुए जब रावण माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था, उसने जब करुण पुकार माता सीता की सुनी तो याद करिए एक पक्षी भी नारी गरिमा के लिए रावण से भिड़ गया था और रावण को बुरी तरह घायल कर दिया था। बाद में वह रावण के हाथों भले ही जटायु बलिदान हुआ है, आप अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में जाएंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राम जन्मभूमि परिसर में बड़ी भव्य प्रतिमा गिद्धराज जटायु की लगी है। यह प्रकृति और परमात्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम है। आज कैंपियरगंज में उसका लोकार्पण हुआ है, और अभी मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में आने के पहले सोनवर्षा के प्राथमिक विद्यालय, जो सीएसआर निधि से फर्टिलाइजर के सहयोग से हम लोगों ने बनाया है, आज उसका लोकार्पण किया है। कितना भव्य विद्यालय बना है प्राइमरी का। अब भी मैं कहूंगा कि सोनवर्षा, बालापार और परमेश्वरपुर, जीतपुर, जहां से भी आप आए हैं, थोड़ा एक बार देखना विद्यालय कैसे बनना चाहिए। यह प्राथमिक विद्यालय का भवन जो अभी यहां बनाकर के तैयार किया गया है, उसका एक उदाहरण बन सकता है। पंचायत भवन का भी आज लोकार्पण किया गया है। पंचायत भवन के ग्राम सचिवालय के रूप में है। जैसे प्रदेश का सचिवालय होता है, जनपद का मुख्यालय होता है,
ऐसे ही ग्राम पंचायत का भी मुख्यालय होना चाहिए जो ग्राम सचिवालय के रूप में जाना जाए। गांव के लोग अपने आय प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए निर्माण या फिर अन्य प्रमाण पत्रों के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए क्यों इधर उधर भटकेगा। वह उसे गांव के ही सचिवालय में प्राप्त हो, ऑनलाइन प्राप्त हो, इसके लिए ग्राम सचिवालय की व्यवस्था सभी 57,000 से अधिक गांवों में, ग्राम पंचायतों में हमने प्रारंभ की है और सोनबरसा गांव को एक आदर्श सचिवालय भी आज यहां पे प्राप्त हुआ है। इसकी भी मैं बधाई देता हूं सोनबरसा गांव वालों को। साथ साथ आने वाले समय में सिक्तौर से लेकर के और सररी और गांगी तक इस पूरे क्षेत्र में एक ही थाना आपका होगा, वह यहां पर सोनबरसा में हम बनाने जा रहे हैं। तो वह थाने बनेंगे तो यहां पे सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी। आपका ये ओवरब्रिज बन गया, आप यहां पे रेलवे पटरी पर आपको जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। अगर आपको रेलवे ट्रेन पकड़नी है, स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है, बस स्टेशन जाना है, आप कहीं भी महाराजगंज से, गांगी से, सरारी से, जीतपुर से, परमेश्वरपुर से, बालापार से तुरंत निकले, आपको जाम में फंसने की चिंता नहीं होगी। फ्लाईओवर आपका बना हुआ है, आप 10 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। देखो कितना आसान हो गया जीवन। और साथ साथ हम लोग इस सिक्टौर से लेकर के गांगी पतक 4 लेन की सड़क दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि किसी का मकान नहीं टूटना चाहिए। नक्शा बदल करके हमने कहा सड़क चौड़ी होनी चाहिए लेकिन मकान किसी का नहीं टूटेगा, और मुआवजा भी सर्किल रेट का 4 गुना मिलेगा, 4 गुना। देखो विकास ऐसे ही होता है, विकास का लाभ ऐसे ही मिलता है, और जब विकास होगा आप भी नए नए उद्योग लगा पाएंगे, आप भी उद्यमी बन पाएंगे। और मैं तो युवाओं से कहूंगा कि आपको अब तो हमने एक व्यवस्था और करने जा रहे हैं, जो युवा उद्यमी अपना उद्योग लगाएगा उस युवा उद्यमी को पहले चरण में 5 लाख तक और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए तक का लोन, ब्याज मुक्त लोन हम उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। आप पूंजी लीजिए, मूल पूंजी ही बैंक वापस लेगा आपसे, आपसे कोई ब्याज उसके बदले नहीं लेगा। नहीं तो बैंकों का जो ब्याज लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। अगर आपने 100 रुपया लिया है, एक वर्ष में 110 रुपये अगर ब्याज है तो अगले वर्ष वह पैसा 110 हो जाएगा, फिर 110 रुपये भी ब्याज लगेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, ब्याज जो भी लगेगा वह सरकार चुकता करेगी, जनता जनार्दन को पैसे देने की आवश्यकता नहीं, मूलधन ही वह जमा करेगा। आपको उद्योग लगाने में, अपना उद्यम स्थापित करने में, अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, और जो पैसा मुआवजे का मिलेगा, दूर दराज के क्षेत्र में खेत भी खरीदिए, कुछ काम धाम भी प्रारंभ करिए, तो मुझे लगता है कि इससे आपको काफी लाभ होगा। आपकी पीढ़ियां खुशहाल होंगी, आपके चेहरे पर खुशहाली होगी, आने वाली पीढ़ी आपकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगी। और इसीलिए 635 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं आज यहां पे लोकार्पित की जा रही हैं, उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर होने जा हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत की तूती बोलती है, आज भारत दुनिया के अंदर विकास का एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया के अंदर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत स्थापित हुआ है, और अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन 3री बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश की भी तो भूमिका होनी चाहिए, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 2017 में जब
प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब उत्तर प्रदेश देश की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था था, और आज जब उत्तर प्रदेश में सरकार सात वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी है तो हम सात से अब देश की नंबर दो की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और अगले चार वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को नंबर एक की अर्थव्यवस्था पे ले जाने के लिए हमें कार्य करना है। आज इसका आह्वान करने के लिए भी मैं आपके पास आया हूं। आज हमारे पास पैसे की कमी नहीं, विकास के कार्य के लिए हम पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं, और पिपराइज को तो कहना ही क्या, गोरखपुर में तो पहले से ही बंद फर्टिलाइजर कारखाना, कोई सोचता था कि कारखाना चलेगा, एकदम सोनवर्षा के इस पार उस पार का है कारखाना। आज देखो आप रात्रि को देखते होंगे क्या लाइट रहती है, क्या चमचमाता है सामने, और फर्टिलाइजर चल रहा है उसका लाभ सोनवर्षा बालापार को भी मिल रहा है। देखो ना यहां पे कितना अच्छा विद्यालय और पंचायत भवन बन गया है, अगल बगल के गांवों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, फ्लाईओवर बन गया है, और अब तो मेडिकल की डिग्री, फार्मेसी की डिग्री, नर्सिंग की डिग्री, ये सभी डिग्री भी आपको यहीं पे प्राप्त होने जा रही है, जिसके लिए आपको देश के अंदर भटकना पड़ता था, आज आपकी वर्तमान पीढ़ी इन सब का लाभ प्राप्त करेगी। एम्स गोरखपुर में बन गया है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज को जोड़ने के लिए हम लोगों ने यही बगल में एक नया पुल और दे दिया है, सीधे आप वहां से बीआरडी मेडिकल कॉलेज की तरफ जा सकते हैं। यही नहीं, अब तो रामगढ़ ताल में भी आपको पर्यटन का आनंद प्राप्त होगा, और कुछ दिनों के बाद हम पर्यटन के इस आनंद के लिए आपकी इस चिल्वा ताल की झील को भी विकसित करने जा रहे हैं, यहां रोजगार भी आपको उपलब्ध होगा, पर्यटन की संभावनाएं भी रामगढ़ ताल की तर्ज पर आगे बढ़ेंगे। आज रामगढ़ ताल में देखते होंगे 25,000 से 30,000 लोग हर समय वहां मौजूद रहते हैं, हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है उसके माध्यम से, पर्यटन की नई संभावनाएं विकसित हो रही हैं, और जब ये विकसित होंगी तो जब विकास होगा तो ही तो आप भी आगे बढ़ पाएंगे। अभी तो रामगढ़ ताल में फिल्म की शूटिंग होगी, अगली फिट वहां भले ही रवि किशन वहां अपनी फिल्म शूटिंग करते होंगे, अब महेंद्र पाल के साथ आप भी इस चिल्वा ताल में फिल्म शूटिंग का आनंद ले पाएंगे। ये दोनों में कंपटीशन होने जा रहा है फिल्मों में कौन अच्छा फिल्म बनाता है, और अब विषय है हमने महेंद्र पाल से कहा भाई सिर में बाल बूल लगवा दो तो तुम भी जो है रवि किशन से अच्छा एक्टिंग कर लोगे। बहनों और भाइयों, एम्स जिसकी सुविधा के लिए दिल्ली जाना पड़ता था आज गोरखपुर में काम कर रहा है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो स्वयं बीमार था 17 के पहले आज बेहतरीन सुविधा दे रहा है, इंसेफ्लाइटिस इस सीजन में यहां कोई शिलान्यास उद्घाटन नहीं कर पाता था क्योंकि इस सीजन में नौ की बीमारी यानी इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौतें होती थी, सैकड़ों बच्चों की मौतें होती थी, कोहराम मचा रहता था, लोगों में भय और दहशत रहता था, और मुझे याद बताते हुए प्रसन्नता है इंसेफ्लाइटिस को हमने पूरी तरह समाप्त करके कहा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में ना अपराध रहेगा ना अपराधी रहेंगे, और बीमारी को भी पूरी तरह समाप्त करेंगे। समाप्त कर दिया ना, ऐसे कार्य होता है विकास के कार्य, फोर लेन की सड़क, ये सिक्स लेन की सड़क, ये केवल सड़क नहीं है, आवागमन के माध्यम नहीं है, ये विकास के प्रतीक है। विकास, इससे विकास आएगा, उद्योग लगेंगे, नौकरी मिलेगी, रोजगार की सुविधाएं विकसित होंगी, और आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, हमारे युवाओं के हाथों को काम मिलेगा, आपको अच्छे दाम मिलेंगे, कोई सब्जी बेचेगा, कोई फल बेचेगा, कोई नौकरी करेगा, कोई व्यवसाय करेगा, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का कार्य मिलेगा, और उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। आप सोचो, कोई सोचता था पहले ये सड़क, जब मैं सांसद था
तो सिंगल लेन की होती थी, यानी बहुत संकरी 3.5 मीटर की सड़क। इसके लिए भी हमें हर साल लड़ना पड़ता था क्योंकि गड्ढे हो जाते थे, और यहां जीतपुर बाजार में तो वो पुलिया बार बार टूट जाती थी, सड़क ही बाधित हो जाती थी। आज तो टूटना टूटने का सारा विवाद समाप्त। अब तो सड़क आपकी ये 4 लेन की बन रही है, जैसे गोरखपुर लखनऊ मार्ग है ऐसे ही यह मार्ग भी है आपका। और आने वाले समय में हम एक और व्यवस्था करने जा रहे हैं, इसको भी सुनिए, एक और काम करने जा रहे हैं। अभी भी वैसे आप कर सकते हैं लेकिन एक और काम करने जा रहे हैं, यद्यपि आपके लिए तो एक और आसान रास्ता है, यहां से आप ये चूंटा पकड़ लेंगे, वहां से सीधे आप लखनऊ रोड को पकड़ लेंगे तो सीधे सहजनवा पहुंच जाएंगे। सहजनवा से लखनऊ की दूरी मात्र 3 घंटे के अंदर पूरी हो सकती है, मात्र 3 घंटे लगेंगे। लेकिन एक सड़क यहां से जुड़ेगी और इसी सड़क को हम डोमिनगढ़ से लेकर के बंदे डोमिनगढ़ ले लेंगे, डोमिनगढ़ से सीधे सहजनवा आप पहुंच जाएंगे और सहजनवा से 3 घंटे में लखनऊ। अब सोचो गांगी पार, गांगी बाजार से लेकर के टिकरिया, गांगी बाजार से लेकर के सिकटौर तक पूरी सड़क जो पहले 3.5 मीटर की थी, अब आपको यह लगभग 16-17 मीटर की सड़क बहुत अच्छे मार्ग के रूप में मिलेगी। यानी जिस सड़क को तय करने में आपको आधा घंटा लगता था, आज 5 मिनट में आप गांगी बाजार से सिकटौर आ जाएंगे जब ये सड़क बन जाएगी। आसान होगा जीवन, व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा, और ऐसे ही प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल हर ओर इसी रूप में बिछाने का काम हो रहा है। और आज उसी कार्य की सौगात देने के लिए हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। विकास का सिलसिला निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। यहां के लोग जो विकास कार्य के लिए यहां पर आए होंगे, आप पिपराई क्षेत्र में देख सकते हैं, यहां आयुष विश्वविद्यालय भी लगभग बनकर के तैयार हो चुका है। पिपराइज की चीनी मिल फिर से संचालित हो चुकी है, जो बंद हो चुकी थी वो फिर से चालू हो चुकी है। अन्य तमाम विकास के नए नए कार्य यहां के लिए उपलब्ध हुए हैं, और विकास के कार्य अनवरत रूप से आपको प्राप्त हो इसके लिए आपके विधायक जी भी, सांसद जी भी, महापौर जी भी, ये सभी लोग प्रयास करते हैं, तब विकास के कार्यों को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलती है। कल फर्टिलाइजर कैंपस में एक सैनिक स्कूल का भी लोकार्पण होने जा रहा है, और देश के उपराष्ट्रपति जी उस कार्यक्रम के लिए स्वयं आ रहे हैं। आप सोचो, पहले गोरखपुर कोई आता नहीं था, आज राष्ट्रपति जी भी आते हैं, उपराष्ट्रपति जी भी आते हैं, प्रधानमंत्री जी भी आते हैं। मैं तो हर 10-15 दिन में एक बार गोरखपुर आ ही जाता हूं। मंत्रीगण आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी आ रहे हैं, विकास भी ला रहे हैं, और गोरखपुर विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब आप भी कह सकते हैं कि जैसे नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, ऐसे ही नए उत्तर प्रदेश का यह नया गोरखपुर भी हमारे सामने है, जो विकास भी है तो सुरक्षा का भी एक मॉडल बन रहा है। विकास और सुरक्षा का यह बेहतरीन मॉडल ही उज्जवल भविष्य के मार्ग पर हमको लेके चलेगा, और उज्जवल भविष्य के साथ आपको जोड़ने के लिए ही आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि सिलसिला निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। विकास के कार्य के लिए सरकार के कोई प्रस्ताव आते हैं तो उसमें अनावश्यक किसी को विघ्न बाधा नहीं डालनी चाहिए, तेजी के साथ लपक करके उसको अपने यहां लागू करवाना चाहिए, क्योंकि उसी में आपका भी, आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। और विकास का एक कार्य जब तेजी के साथ आगे बढ़ेगा तो उसका लाभ अनंत काल तक आपको और आने वाली पीढ़ी को प्राप्त होगा। आज तो यहां विकास का भी मॉडल सड़क और पुल, एक का शिलान्यास हो रहा है, एक का लोकार्पण हो रहा है। सुरक्षा के लिए एक बेहतरीन थाना यहां पर बनाया जा रहा है, ये सभी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। स्कूल के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल को फर्टिलाइजर से प्राप्त सीएसआर की निधि से उसको एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित किया गया है,
और ग्राम सचिवालय को भी HURL के द्वारा जो मदद मिली थी उसी की मदद से हम लोगों ने इस ग्राम सचिवालय का निर्माण कार्य करके इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। ये पांच पांच परियोजनाएं एक साथ सिक्टौर, आपके सोनबरसा, बालापार और इस पूरे क्षेत्र के वासियों को प्राप्त हो रहा है। यह एक मॉडल बने, इसका लाभ अन्य गांवों के लोग भी प्राप्त कर सकें, इस विश्वास के साथ आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं एक बार फिर से 635 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास और सुरक्षा के इस मॉडल के साथ आप अनवरत रूप से आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।